गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर टू, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ऑफ क्लास सेवन मैथ्स। सो इन माय लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टुडे वी विल स्टडी अबाउट फ्रैक्शंस इन लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म। सो ये क्या होती हैं? अ फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। सो अगर आपके पास कोई भी एक गिवन फ्रैक्शन है तो वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में कब कहा जाएगा? जब उन दोनों में वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। 12/16 ये गिवन फ्रैक्शन है, इसको आपको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सो लोएस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? अब आपको इसको क्या करना है, कट करना है। और जो भी आपकी कटिंग होगी वो आपको एक चीज जो याद रखनी है कटिंग करते हुए, वो ये कि 12 और 16 दोनों सेम नंबर से ही कट होने चाहिए। और ये कटिंग आगे तब तक करेंगे हम जब तक कि हमें एक ऐसा फ्रैक्शन नहीं मिल जाता जिनके बीच में वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। सो सबसे पहले 12/16 को मैंने यहां पर 2 से कट किया, 2 6 12 एंड 2 8 16। फिर उसके बाद मैंने फिर 2 से कट किया, 2 3 6 एंड 2 4 8। अब ये दोनों नंबर एक किसी नंबर से कट नहीं हो सकते, राइट। सो 3/4 एक ऐसा फ्रैक्शन है जो कि इन दोनों में वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो 3/4 12/16 की कैसी फॉर्म हो गई, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, 9/15। सो 9/15 को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको कटिंग करेंगे। सो मैं 3 से कट कर रही हूँ उसको, 3 3 9 एंड 3 5 15। नाउ आई हैव 3 एंड 5, और 3 एंड 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। सो 9/15 की जो लोएस्ट फॉर्म है वो कैसी है आपकी, 3/5। इसी तरह आप और एग्जाम्पल्स के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। अब आते हैं हम फ्रैक्शन के कंपैरिजन पर कि उनका फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कैसे किया जाए। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। लाइक फर्स्ट वन इज, इफ टू फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शंस विद ग्रेटर न्यूमिनेटर इज ग्रेटर। इट मीन्स अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन हैं और आपको उनको कंपेयर करना है, सो अगर उनके डिनोमिनेटर सेम हैं, अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है तो आप कंपैरिजन किन के बीच में करेंगे, न्यूमिरेटर के बीच में। लाइक इफ यू हैव 3/7 एंड 2/7, अब आपको इन दोनों नंबर्स के, दोनों फ्रैक्शंस के बीच में कंपैरिजन करना है। तो मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर कैसे है यहां पर, सेम है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम न्यूमिरेटर को कंपेयर करेंगे। सो न्यूमिरेटर को कंपेयर करने पर आप देख सकते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 2 से बड़ा होता है। सो इसीलिए 3/7 आपका 2/7 से ग्रेटर हो जाएगा। नाउ द सेकेंड वन इज, इफ टू फ्रैक्शंस हैव सेम न्यूमिरेटर देन द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। इट मीन्स पहले वाले में तो हमने देखा कि जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम न्यूमिरेटर्स को कंपेयर करेंगे, पर वेन यू हैव द सेम न्यूमिरेटर तो आप कंपेयर किसको करेंगे, डिनोमिनेटर्स को। लाइक यू हैव 11/5 एंड 11/9, तो आपको इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि न्यूमिरेटर सेम है एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट है। सो हम न्यूमिरेटर को छोड़ के हम किसकी तरफ जाएंगे, डिनोमिनेटर की तरफ, एंड वी विल कंपेयर डिनोमिनेटर। सो यहां पर क्या लिखा है, न्यूमिरेटर देन द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। तो इट मीन्स जिसका भी डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन कैसा होगा आपका, ग्रेटर। सो अगर हम इन दोनों की बात करें तो 11/5 इज ग्रेटर देन 11/9, राइट। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज, टू अनलाइक फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमिरेटर कैन बी कंपेयर्ड बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर सेम। अब फर्स्ट वन था हमारा जिसमें डिनोमिनेटर सेम थे, सेकंड में न्यूमिरेटर सेम थे, बट अब कुछ फ्रैक्शंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें ना तो न्यूमिरेटर सेम होंगे ना आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो आपको वो कैसे करना है, आपको लाइक इफ यू हैव 13/28 एंड 19/42, ये दो फ्रैक्शंस आपके पास हैं, इनको आपको कंपेयर करना है। सो कभी भी ऐसी सिचुएशन अगर आए तो आपको क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर्स को सबसे पहले सेम बनाना है। सो वी हैव, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, वी हैव एलसीएम ऑफ 28 एंड 42।
राइट. सो 28 एंड 42 का जो एलसीएम है वो क्या है आपका 84. नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज हम कैसे करेंगे इसको. मैंने बोला डिनोमिनेटर्स सेम बनाने हैं. डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कि हमें एलसीएम हमारा क्या है 84, तो हमें डिनोमिनेटर में क्या मिल जाए 84. सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 3, राइट. सो 13 थ्री जा 39 एंड 28 थ्री जा 84. नेक्स्ट 19 अपॉन 42 मल्टीप्लाई टू सो यू विल गेट 38 अपॉन 84. सो अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं. सो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम किसको कंपेयर करते हैं, न्यूमिनेटर्स को. सो ये कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, रूल नंबर 1. सो 39 अपॉन 84 एंड 38 अपॉन 84 कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, 39 अपॉन 84. इट मीन्स 39 अपॉन 84 किसके इक्वलेंट है, 13 अपॉन 28 के. सो दोनों फ्रैक्शंस के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो 13 अपॉन 28 इज ग्रेटर देन 19 अपॉन 42. सो ये जो आपका अनलाइक फ्रैक्शंस वाला जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंट न्यूमिनेटर्स एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर्स का, ये आपको हेल्प करेगा जब आपको फ्रैक्शंस दे दिए जाएंगे और आपको उनको अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो आप वहां पर यही वाला रूल अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स सेम बनाएंगे, देन आप उनको कंपेयर करेंगे. सो स्टूडेंट्स आपको सिंपलेस्ट फॉर्म एंड अनलाइक फ्रैक्शंस और जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, तो उनको कंपैरिजन कैसे किया जाता है आपको समझ में आया होगा. प्रैक्टिस इट एट योर होम विद मोर क्वेश्चंस. सो बाय, थैंक यू.